किया जा रहा है। और मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि गुरु की ऐसी दया होगी कि कभी कौन किस रूप में, गुरु भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में, माता पिता के रूप में, जब जी के सवाल करते हैं शाम में सारे पाकिस्तान पढ़ने के बाद, तो हमेशा पूछते हैं एसपी कौन है, पलामू का डीडीसी कौन है, लातेहार का डीसी कौन है, गढ़वा का डीसी कौन है, एसपी कौन है, हमेशा की बात करते जाते हैं। और हमेशा आपको लगता था कि सर कैसे हैं, आज सर आपके सामने समक्ष हैं और आपके सामने हैं, आज सर आपके सामने जो बात करेंगे आपको पूरी बात को ध्यान से सुनना है, पूरी बात को समझना है। नाइन टेन के बच्चे बच्चे हुए हैं, लड़कियां बाहर जाई हैं और एक बच्चे पलामू प्रमंडल झारखंड के विभिन्न कोने से, चाहे वो खगड़िया हो, जबलपुर हो, मंगली हो, पालकी हो, आपको हटवार हो, बहुत विभिन्न जगह से बच्चे आए हुए हैं। जो बच्चे ठीक से बात से किताबी कीड़ा नहीं माना है, हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि शिक्षा के धारा पर शिक्षा का संयुक्त घर पैदा हो, बच्चे शिक्षित हो और बच्चे दीक्षित हो। क्योंकि बच्चे अगर संस्कारवान ना हो, हर एक माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा संस्कारवान हो, मेरा बेटा एक सपूत हो जो देश के लिए कुछ कर सके, राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। और चूंकि मैंने स्टार्टिंग से 2006 में स्कूल शुरू किया था, 40 बच्चे थे, स्कूल बंद हो गया था, लेकिन मैं खुद बच्चों का समय कर लिया हूँ, याद रखना, दूर दूर बंद हो गया था, कोई नहीं था, मैं माँ को खोया, अपनी बात को जाने पिता को खोया, एक हिम्मत नहीं हारा कभी, लक्ष्य मैं लिया कुछ करना है उसको, मैं ठान लिया था कुछ करना है, और मैं धीरे धीरे गति लेते रह गया। सर हमेशा बोले हैं कि बेटा इरादा लेकर रखना, मंजिल बहुत करीब तेरा होगा, इरादा नहीं करना तो परिस्थितियां बिगड़ हो सकता है, उस समय का अंधेरा हो सकता है, इरादे ठीक है और गुरु की दया अगर है तो रोशनी फैलेगी, तेरे जीवन में रोशनी आएगा और तुम अंधेरे को जीतते हुए चले जाओगे। तुम कभी अंधेरे को मत सोचो, अपो दीपो भव की तरह तुम दीप जलाते चलो और जीवन में तेरा प्रकाश तुम फैलते चला जाएगा। बच्चों के द्वारा यह जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो स्नेह है, यह कहीं ना कहीं संस्कार यह दिखाता है कि बच्चे में संस्कार भरा जा रहा है, बच्चों में ज्ञान उतारा जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ शिक्षक दिवस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप बैनर में पढ़ रहे होंगे शिक्षक बड़ा सुधार नंबर नजर आता है, शिक्षक टीचर, लेकिन गुरु बड़ा विराट शब्द है। हम लोगों ने कहा कि गुरु दिवस स्वच्छता का पाठशाला, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर नहीं है, आपको लग रहा हो कि हम बहुत सारे स्कूल में पढ़ाए होंगे, ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं स्कूल में आया हूँ और शिक्षक दिवस के दिन भी गुरु दिवस और ये पाठशाला एक स्वच्छता, ये क्या हो रहा है। टीचर थे जनरली सभी स्कूलों में, लोग इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, लोग मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डांस करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज स्फुलित पावन अवसर पर आज जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया स्टेज पर, जो स्वच्छता की पाठशाला के माध्यम से पूरे जनमानस में जिस बात को जनरलाइज करने का काम किया है, यह काबिले तारीफ है। और ये टीचर कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि टीचर अगर बच्चे देश के भविष्य है तो टीचर देश के राष्ट्र निर्माता है, टीचर राष्ट्र निर्माता है। और टीचर एक साधारण कोई किसी वस्तु का नाम नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 1962 से जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने, वह सेकेंड राष्ट्रपति जब बने, कुछ बच्चों ने जन्मदिन मनाने गए, उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी दिन फुलोटो का सपना सार्थक हो गया था। फुलोटो ने कहा था कि किंग इज फिलोसफर या फिलोसफर इज किंग, मतलब राजा दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक राजा होना चाहिए, सपना उस दिन सका। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इस माँ के ऋण को अपने घातक तक चुकाया है, माँ के ऋण को आज भी हमको आपको अपने माँ के ऋण को चुकाने के लिए अवसर आ चुका है। सच्चे से हम देश की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम देश की सेवा बोलने को धरने वाले ही करते, जरूरत है कि हमको आपको समझने और जानने का, हम देश की आजादी को मना रहे हैं, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना हमें परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ क्योंकि देशभक्ति का अर्थ होता है, देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए हमें अपने भक्ति प्यार, देश के लिए भक्ति भाव
नहीं कर लेंगे। हम जरूरत है, हमें अब जरूरत हमें है कि भारत को पूरी स्वच्छता के रूप में तब्दीली होगी, क्योंकि दबाव में कोई काम किया नहीं सकता है। एक आदमी झाड़ू उठा के मार सकता है, वो नौकरी समझता है, उसका दबाव है। जब जब हम किसी पर दबाव देते हैं तो लगाव पैदा होता है। अगर हम भाव देंगे तो लगाव पैदा होगा। इस भाव से अगर हम चाहते हैं कि अगर भाव बिल्कुल अगर सही हो, हमें इस काम को करना है, हमने अगर बीड़ा उठा ले तो देश को 10 कदम बढ़ने की जरूरत है। 10 कदम जब भी बढ़ते हैं आगे तो दिखाई पड़ता है स्वच्छता। 2019 तक मिशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम ही गंदा करते हैं। क्योंकि सफर में जाते हम हैं, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि ट्रेन पकड़ने आते हैं, कैसा स्टेशन है जहाँ दुनिया के तमाम लोग स्टेशन पर उतरते हैं, चाहे वो देश विदेश सभी लोग, चाहे छोटा बड़ा स्टेशन कोई भी हो, लोग उतरते हैं स्टेशन पर और देखते हैं कि क्या स्थिति है। चरणों का फूल अगर मिल जाएगा आपको तो जीवन धन हो जाएगा। कहा जाता है वृत लगा ले शिव गुरु से उनका दिया ये चोला है। तो गुरु का क्या काम है, सचमुच अगर आपको लग जाता है एक बार अगर समझ आपको हो जाती है, जीवन धन आपका हो जाएगा। फिर कोई बार बार नहीं बोलेगा पढ़ो, ये बार बार तब बोलना पड़ता है जब आप करते हैं, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा पढ़ो। एक बार समझ हो जाएगा आपको कि मुझको पढ़ना क्यों जरूरी है, जीवन को आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है, यह क्यों हो रहा है कार्यक्रम, क्यों लोग गढ़वा से चलकर यहाँ पर आए हैं। आप जिस दिन समझ जाएंगे कि मंच गुरु का मंच है, आपको यह अवसर मिला है जीवन में, इतना पैसे 30,000-40,000 रुपए हर सप्ताह खर्च है, अगर कुछ खर्च होती है तो कुछ जानने के लिए आपको, कुछ समझने के लिए आपको, जीवन को समझने के लिए। और 5 बच्चे भी अगर 5 बेटियां भी समझ जाती है, 5 बेटे समझ जाते हैं प्रत्येक रविवार को, तो मैं समझता हूं कि चर्चा का कार्यक्रम सफल हो जाता है। इसलिए आपको इस चर्चा की कड़ी से हमेशा जोड़ने के काम आपको किया जाता है हमेशा, क्योंकि जब आपका चर्चा की कड़ी से जुड़ेंगे अहंकार आपके अंदर मिटते चला जाएगा। ऐसा गुरु है, एक एक बच्चे का इसमें अहम भूमिका होती है, एक एक बच्चे का अहम भूमिका इसमें है। तो काफी अच्छा लगता है, काफी टीचर्स मेहनत की है और बच्चे भी है, काफी ध्यान से सुने समझे बात को आप। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो हम लोग का है कि हम लोग रक्षाबंधन फेस्टिवल के अवसर पर जो गुरु संध्या पर जो कार्यक्रम हो रहा है रक्षाबंधन, नर्सरी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। मैं अभी देख रहा था कि बहुत छोटे बच्चे, छोटे जो छोटी बच्चियां हैं वो छोटे बच्चे कढ़ाई पर राखी बांधे आप। बहुत लोग अभी मंडे को जो फेस्टिवल होगा, जिनकी बहन है
अपने भाई को कलाई पर राखी बांधेंगे और तिलक लगाएंगे, उसको मिठाई खिलाएंगे और भाई भी प्यार से मिठाई खाएगा और महन को भी खिलाना है सबको। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी यह कंप्लेन आता है कि जो बड़े भाई हैं वो दीदी को हमेशा कभी कभी पिटाई करते हैं, कभी कभी पिटाई करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। जिनको सोचते हैं कि मैं लड़का हूँ और मैं बड़ा हूँ तो दीदी को पिट सकता हूँ, ऐसा सोचते हैं कभी ना। लेकिन ये बातें बहुत गलत है, ये बातें बहुत गलत है, क्योंकि दीदी ना होती तो राखी कौन बांधेगा आपको? अगर दीदी ना होगी तो राखी कौन बांधेगा आपको? आपको तिलक कौन लगाएगा आपको? आपको प्यार कौन करेगा आपको? इसलिए सेव द गर्ल, हम लोग को लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा। कैसे हम लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कैसे हम ठीक से रखेंगे उनको? आपने जितना भी कार्यक्रम किया आप देखे होंगे, इतना अच्छा गाना आपने किया, आपने गाना के माध्यम से मैसेज पास किया आपने, हमें साल में एक बार जो रक्षा बंधन आता है या एहसास दिलाता है, याद दिलाता है कि बहन का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बहन का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, वो बहन है तो कितना भाई के लिए वो बहुत दूर से आती है, राखी बांधती है, लेकिन भाई का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं कि मेरी अपनी बहन हो, कोई भी हो इस रास्ते पर पास पड़ोस में कोई भी बहन हो, लगे कि वो लड़की है उसकी हमें रिस्पेक्ट करना है, ये कर्तव्य हमारा है या ड्यूटी हमारा है। तो हम सबको छोटे बच्चे जितने हैं आपको रिस्पेक्ट करना है, किसको? सिस्टर को। किसको? याद हो गया ना, रिस्पेक्ट किसको किसको करना है? तीन काम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तीन काम। पहला, रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, रिस्पेक्ट करना है पेरेंट्स को, मतलब मम्मी पापा की बात को सुनना है, मम्मी पापा बोलेंगे वो काम करना है, बोले बेटा बैठ जाओ तो बैठना है, बेटा चलो घूमने तो घूमना है, बेटा पढ़ाई करो तो पढ़ना है, ठीक है, और दीदी लोग को भी खूब खुश रखना है। तो रक्षाबंधन जो मनाएंगे वो लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ सीखना है। और रिस्पेक्ट करना है टीचर्स को, टीचर के बात बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो टीचर के बात जो बच्चे सुनते हैं वो पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे हो जाते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और कब रक्षा है, जो रक्षाबंधन में बहना हो वो टीचर भी आपकी रक्षा करते हैं, टीचर क्या करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, टीचर आपको प्यार करते हैं, टीचर आपको बैठाते हैं और आपसे बात करते हैं कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, मेरा स्टूडेंट सबसे अच्छा है। तो मम्मी का रिस्पेक्ट करना है, पापा का, सुनो वाइफ, रिस्पेक्ट पापा को करना है, मम्मी को करना है, दादा को करना है, दादी को करना है और बहन को भी करना है और टीचर को भी करना है, ठीक है, और डायरेक्टर सर को भी करना है ना, तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट मतलब समझते हैं क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, बताइए, आदर करना, वाह वेरी गुड, अच्छे बच्चे आप हैं। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना है, मतलब उनको सम्मान देना है, पेरेंट्स को, टीचर्स को जो बताते हैं करना है। क्योंकि आज आप घर में बताएंगे कि रक्षाबंधन हुआ, अविनाश सर मंच पर आए, डायरेक्टर सर, वो बोले हैं कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, मतलब गुड मॉर्निंग, पैर छूना है, उनको प्रणाम करना है, क्योंकि उनको प्रणाम करेंगे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो आप अच्छे बच्चे खिलाएंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, हाथ खड़ा कीजिए, सब लोग चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, मैंने आप चाहते हैं ना, हैंड ऑफ, आप सबसे अच्छे बच्चे हैं और इससे भी अच्छा आपको बनना है। और दूसरी बात, आप रक्षाबंधन लें ये आपको सोचना है, हमें गाली किसी भी कीमत में किसी भी बच्चे को, बहन को, किसी को भी हमें रफ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना, डोंट यूज द रफ लैंग्वेज, ठीक है, आपको रफ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है कभी नहीं, ठीक है, कोई आपसे कुछ ही बोले आप हाथ जोड़ दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, पापा जी आप अभी अभी मेला में जाएंगे, आपके बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप अभी झूला मेला लगा हुआ है, ईद में आया हुआ है, आप मेले में जाते हैं तो आपको जीत नहीं करना है,
अच्छे बच्चे का पहचान है जिद नहीं करने का। क्या जिद नहीं करना है? बहुत बच्चे जाते हैं बोले पापा जी खरीद दो, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि पापा के पैकेट में पैसा है कि नहीं है। आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि पापा जी क्या आप मेरे लिए एक चीज खरीद सकते हैं क्या? ड्राइंग खरीद सकते हैं क्या? पेंसिल खरीद सकते हैं क्या? पेन खरीद सकते हैं क्या? कॉपी खरीद सकते हैं क्या? बैग खरीद सकते हैं क्या? पापा जी बोलेंगे मेरा बेटा बेटी कितना समझदार हो गया है, छोटा बच्चा है कितना समझदार हो गया है। कुछ बच्चे मार्केट में जाते हैं क्या, वो जीत करते हैं पापा जी ले दो नहीं लिए तो क्या करते हैं? रोने लगते हैं, वो रास्ते में पटकाने लगते हैं, खिलाने लगते हैं। और पापा मम्मी परेशान जाते हैं कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, बहुत गंदा हैबिट इसका है, बैड हैबिट इसके पास है। क्यों? क्योंकि पूछा नहीं कि पापा जी पैसे है कि नहीं आपके पास, क्योंकि पहले जानना जरूरी है कि पापा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, माँ आपसे बहुत प्यार करती है, आपको अच्छा खाना बना के देती है, आपके कपड़े वाश करती है, सब करती है ना आपके लिए, अगर रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। और टीचर आपको पढ़ाते हैं तो टीचर का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अरे जब करेंगे आप तो आप बनेंगे आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी, आइडियल स्टूडेंट। बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट बनना है गुड, सबसे गुड जो होता है वेरी गुड, सबसे बोलते हैं टीचर लोग कि सर ये है तो मेरा वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है। क्यों टीचर बोलते हैं? क्योंकि आप क्लास में जो सबसे अच्छा होता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नर्सरी से थ्री क्लास तक जो सबसे बेस्ट पॉय हुआ क्लास का, उसको डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर उसको प्रत्येक वीक में उसको एवरी वीक उसको ऐसा प्राइज देंगे बेस्ट पॉय है ये गुड।